छिंदवाड़ा में किरस डोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य की अनियमितताओं को लेकर छात्र संघ एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कलेक्टर के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा और प्राचार्य को हटाने की मांग की है। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने रैली के माध्यम से तहसील कार्यालय पहुंचकर प्राचार्य के खिलाफ नारेबाजी की। छात्र संघ के रूपेंद्र डेहरिया ने बताया कि पॉलिटेक्निक के प्राचार्य समय में नहीं आते हैं एवं कार्य में लापरवाही बरतते हैं। इसके पूर्व भी प्राचार्य के ऊपर कई शिकायत छात्र छात्राओं द्वारा की गई है, जबकि अभी एग्जाम का समय नजदीक है और प्राचार्य समय पर उपस्थित नहीं होते। अगर 3 दिनों के अंदर हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। परिषद की इकाई परासिया के द्वारा पॉलिटेक्निक कॉलेज के जो प्राचार्य डॉक्टर आर के पांडे, उनके विरोध में यहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है, क्योंकि पिछले विगत 3 महीने से जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है और प्रशासन के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी कि सभी प्राचार्यों को अब कॉलेज में उपस्थित होना है, उसके बावजूद भी वह लगातार पिछले 3 महीनों से अनुपस्थिति है और रोजाना उनकी हाजिरी कॉलेज में लगा दी जाती है। हमारा यहाँ पर एसडीएम महोदय को हमने जिला कलेक्टर महोदय के नाम पर यहाँ पर ज्ञापन सौंपा है कि आप वहाँ पर जाएं और उचित वहाँ पर कार्रवाई करें, सीसीटीवी फुटेज को वहाँ पर चेक करें कि वो रोज कॉलेज आए हैं या नहीं आए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गाँव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।